आराधना करूंगा। परम पिता, आपका चरणों पर हम लोग आया है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबके लिए। उनकी आराधना शुरुआत से अभी तक अच्छा ठीक ठाक चलने के लिए आप विदा कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आगे बढ़ने के लिए विदा करो। और सब लोग आज गुनगुना रहे, गाना गा रहा है, अपने भक्ति गीत गा के आपका महिमा प्रकट कर रहा है, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि हिंदी आराधना में जो लोग शामिल हैं उन सबको आप आशीष करो, आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करे। और आज प्राधिमार फादरी माँ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल संदेश देने के लिए तैयार है, आप उनका साथ रहिए, आगे बढ़ाइए, जो आप बोलना चाहते हैं उनके मुंह से जो बात, आपका जो प्रवचन आप सुना दीजिए। गाना गाने वाले के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और हमारा हिंदी क्वायर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और टीडी छाने के लिए, शाम ग्रुप के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सब लोग जो सब लोग आगे और आता बढ़ा के और आगे बढ़े और सब लोग एक एकता से आगे बढ़ के आपका महिमा प्रकट करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन। पिता सच में प्रभु जी, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम हर एक भाई बहनों को परमेश्वर संभाल के रखता है प्रभु जी, जो भी चाहिए आप दे देता है परमेश्वर, इसके धन्यवाद प्रभु जी। मालूम नहीं कितने लोग प्रभु जी इस दिन को नहीं देखने पाया होगा, लेकिन परमेश्वर तूने हम सबको संभाला प्रभु जी, इकट्ठा किया प्रभु जी, फिर मिलने का मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। बाकी सबों का हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो हम आज वचन सुने प्रभु, उसके द्वारा तू हमारे दिलों में बात करो प्रभु जी। पादरी माँ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी हमें अच्छा ज्ञान बुद्धि ताकत मिले प्रभु। बाकी सबों का आपके हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना और वचन का और बाइबल पठन के लिए मैं जेनेसिस उत्पत्ति 4:1-5 तक। उत्पत्ति चौथा अध्याय उसका 1-5 पद तक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसने मुंह पर उदासी छा गई। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आमीन। तो बाइबल पठन जो हमने पढ़ा है उत्पत्ति जेनेसिस 4:1-5 तक हमने पढ़ा है और हमारे चर्च में या एज हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब उपज जो भी है उसका जो उस वक्त जो अनाज जो हमारे अनाज उपजाते थे तो उनका थोड़ा सा पार्ट लेके आते थे और उस वो वाला जो है आज हमारे चर्च में साल में एक बार, हर चर्च में एक साल में एक बार करते हैं। यहाँ पर चल रहा है हिंदी वर्शिप, लोग लास्ट वीक बोलना चाहिए था, से छूट गया या फिर पादरी बोले मुझे याद नहीं है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में भी पूरा साल भर में अगर यीशु ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है या आपने कुछ मंगते मानी है या कुछ देना देना चाहते हैं और उनका उपकार मानना चाहते हैं तो आज ही सही दिन है, आज का दिन ही सही दिन है। जितना आपके पास है आपके आज के अपने पर्स में या जितना आप देना चाहोगे वचन सुनने के बाद दे दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदी व आराधना के साथ भी आज का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल का जो ऑफरिंग है वो भी बढ़े। तो इस उद्देश्य से मैं 4 उत्पत्ति 1-4 एबेल और कैन के बारे में बात करके बाकी जितने बाइबल में है देने वाली बात करना चाहूँगी। ये केवल आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए देने की जो इच्छा है उसे प्रेरित करने के उद्देश्य से आज का वचन मैं बोलना चाहूँगी। चलिए, आप सबको पता है कि एबेल और कैन ने जो ऑफरिंग्स दिए थे, किसका ऑफरिंग्स भगवान ने लिए और किसका ऑफरिंग्स या भगवान ने नहीं लिए आपको पता है। देखिए यहाँ पे हाबिल ने किया, मैं दूसरा वचन पढ़ रही हूँ। हाबिल ने
बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने लगा। और हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन भूमि के करता था, मतलब किसान, और ये एक गडरिया, ठीक है ना, हिंदी में बोल रही हूँ, एक शेपर्ड बना और एक फार्मर बना, ठीक है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में कुछ भेंट लाया, और कैन ने क्या कहा, क्या कहा, किसान था, अनाज था उसका पास, और उसमें से कुछ अनाज या कुछ भंडार लेकर आया और भगवान के सामने ये सैक्रिफाइस के लिए रख दिया। लेकिन हाबिल ने क्या किया कि अपनी भेड़ बकरों के कई एक पहलौटे फर्स्ट बॉर्न जिसे, ठीक है, पहला वाला, ज्येष्ठ हिंदी में कहते हैं और तेलुगु में भी कहते हैं पहला, हर बार क्या किया उसने कि पहला जो है उसके बच्चे को उसने पहले से ही नाम रखकर, भगवान का नाम रखकर, भगवान के लिए लेकर रखकर उसे पाला पोषा बड़ा किया, और उसके नाम पर ही उसे को तीन चार महीने जितने महीना वो जिया उस भेड़ को नाम देकर, ये भगवान का है, पहला है, ये भगवान का है, मेरा नहीं है, ऐसा समझकर दिमाग में ऐसा डालकर उसे पाल पोष कर आगे ले आया। और जब समय आया ऑफरिंग का, तो उसी को जिसके लिए भगवान के लिए जिस भेड़ को रखा उसी को लाके रखा। देखिए इसी वजह से पहले लौट बच्चे पेड़ चढ़ाने ले आया, उस चर्बी को भेड़ चढ़ाई। एक्चुअली उस वक्त चर्बी जो है जब वो जलती है, मतलब जब उसको फायर, उस पर जब आग लगती है, तो जो फ्रैगेंस आता है उसे उन्हें भगवान में जो इशू है उसे जो आग्रह करते हैं उसी को कहते हैं कि भगवान खुश हुआ है, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि लाने वाली बात, गिविंग नेचर, कैसे देने के लिए भगवान के पास वो आया। ये तो कैन क्या किया, अपने ही फसल में थोड़ा कुछ अनाज ला दिया और दे दिया, देने की काम उसने भी किया, लेकिन मन में कोई पहला स्थान नहीं था, भगवान के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ सुना नहीं था, और ना ही उसके लिए भगवान का नाम रखकर और उसे खाद डालकर या उसे बड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं था। बस समय आया तो कहीं से थोड़ा अच्छा से लेकर उसे दे दिया। और एबल ऐसा नहीं किया, जैसे ही एक सोचिए कि एक भेड़ है, पहला उसका पहला जो बच्चा बछड़ा पैदा हुआ उसे उसका नाम भगवान के नाम पर उसने सौंप दिया और उसे उसके नाम पर ही बड़ा किया। जब भी उसने खाना दिया या उसको पालन पोषण किया, उसे अपने पास लिया, तो ऐसा लिया जैसे कि वो भगवान की वस्तु है, और जब दिया तो उसी को दिया। तो इसी वजह से ईश्वर को उनकी जो समर्पण था या उनका जो ऑफरिंग था उन्हें अच्छा लगा, और एबल का ऑफरिंग उन्होंने ले लिया और कैन का तिरस्कार कर दिया। देखिए हम लोग भी कैसे हैं, क्या करते हैं भगवान को देने के समय, जब कष्ट आते हैं, या स्पेशली हम लोग जो मानव हैं, हम क्या करते हैं जब हमें जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं या खुशी आती है, तो हम भगवान को कुछ देने की बात करते हैं, राइट। जब देने की बात करते हैं तो मन में कुछ प्रेरणा होती है कि मैं आपको इतना समय दूंगा, मैं आज दो बार बाइबल पढ़ूंगा, चार बार प्रार्थना करूंगा, या मैं आपकी आराधना करूंगा, या आपके लिए मैं गाना गाऊंगा, या फिर मैं रोज चर्च आऊंगा, या फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या फिर मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा, जो आपको लगता है आप समर्पित करते हो। लेकिन जब समय आता है उन्हें निभाने का, तो आप पीछे हट जाते हो। ये भी एक तरह का समर्पण है। लेकिन आज मैं बात जो करने वाली हूँ, चर्च के लिए आगे बढ़ने के लिए जो धन, जो सोर्सेस चाहिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रेरित करना चाहूँगी। देखिए कभी कभी धन रूपी हम समर्पित करते हैं, हमारे पास एक पगार आता है, तो दसवां भाग हम अपने भगवान को देने के लिए बाइबल बात करती है। आगे आगे चलकर नए न्यू टेस्टमेंट में लोगों ने 10% नहीं, बल्कि जितना है उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश की। अब देने वाली बात जो है, भगवान जिस तरह से आपको प्रेरित करता है, तो जो वचन के अनुसार पगार में 10% या हार्वेस्ट में 10% या कोई कमाई में 10% या अपना समय का 10% जो आप देना चाहो, भगवान बहुत इच्छा से, मतलब आपकी देने की इच्छा के अनुसार बहुत आनंद से लेता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आनंद से दो जो कॉइन्स डाली थी, अपना पूरा
धन उसका वही था। जब उसने आनंद से भगवान के लिए सोचा नहीं कि मेरे पास जितना है सब डाल रही हूँ, और खुशी खुशी उसने जब डाला तो भगवान ने उस दो कॉइन्स के लिए जिक्र किया। जो बहुत सारा पैसा डाल के गया उसके बारे में यीशु ने सोचा भी नहीं। सबको पता है, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो दिल में आपको भगवान के प्रति, यीशु के प्रति कुछ करने की भावना आती है, स्पेशली धन द्रव्य के रूप में, तो आप जरूर वो निभाइएगा, उसे पीछे मत रखिएगा। अनन्यास सपेरा जो थे, देखिए न्यू टेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ, सभी लोग अपना अपना सारे एसेट्स जितना हो सके लाके वहाँ रख कर अपोस्टल्स को, मतलब उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाए। और उस वक्त जिस तरह से वचन प्रबल हो रहा था, लोग अपने आप को, शरीर को, अपना धन को, समय को, सब समर्पण कर रहे थे। और इस तरह अनन्या सपेरा भी लेकर आए अपना सारा बेच कर, लेकिन हस्बैंड वाइफ होने के नाते अंदर ही अंदर ही कुछ और बात करके कुछ और देने की बात की। लेकिन ये वहीं पे द्वार के पास ही पीटर को, पतरस को समझ में आया और उसने कहा, आप सही कर रहे हो, क्योंकि देखिए जो भगवान के सेवक हैं उन पर पवित्र आत्मा रहती है और आप जो करते हैं वो उन्हें समझ में आ जाता है। ऐसा ना हो, पहले तो जो याजक थे अंदर जाते ही अगर वो लाने वाली ऑफरिंग या फिर याजक भी ठीक नहीं होते तो जब जाते हैं अल्टर के अंदर वो पश्चापग्रस्त होके स्केलेटन या मृत वापस आते हैं। तब के भगवान उतने कठिन अभी नहीं है। और पुत्रस के समय भी देखिए, आपको लगता है कि वो कठिन नहीं है क्या? अन्ना और सपेरा जब पहले हस्बैंड आया, पति आया, बोले कि इतना ही है, और उन्होंने जब खंडित किया तो कहा नहीं ऐसे ही, तो वहीं पे वो शव हो गए। उसको दफनाने तक पत्नी आई और वो भी ऐसी बोली और अपना प्राण खोई। देखिए भगवान अपने घर में कृपा रखता है, या मतलब अपने दिल में आपके लिए कृपा रखता है, लेकिन इतना भी अपना कृपा विस्तृत ना करे जहाँ पे आपको कर्ज शाप ग्रस्तित हो। इसलिए आप अभी अभी अपने मन में सोचिए या फिर एग्जामिन करिए कि क्या कभी कभार मैंने सोचा कि भगवान को मैं ये दूंगी या ये करूंगी। तो ऐसा अगर है, ये वचन होते ही आप सभी प्रेरित होके अपने मन पूर्वक दान अर्पण हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाते नॉर्मल ऑफरिंग्स के ना होकर डालने के उद्देश्य रखती हूँ। देखिए एक और मैं बात आपसे आगे बढ़ाना चाहूंगी, अब्राहम को लेकर हम आगे चले। इससे पहले अब्राहम के पिता जो है यहोवा, अगर हम सोचेंगे तो सृष्टि जो है 6 दिन बनाए हैं, राइट? मैं वो पूरा बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन देने की जो आदत कहाँ से आई है मैं आपको वो प्रेरणा करने देना चाहूंगी। जो हमारे परम पिता है यहोवा, हमारे लिए सृष्टि एक दिन उजियारा, एक दिन दिन और रात, एक दिन आसमान, एक दिन, ऐसा करके 6 दिनों में उन्होंने क्या किया, पूरा 5 दिनों में पूरा सृष्टि बनाकर और 6ठा दिन में हमें बनाकर 7वां दिन उन्होंने आराम लिया। और ये सब बनाते समय उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ अच्छा है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज गुड, तेलुगु में कहा है यदि मंचदी, हिंदी में कहा है कि ये सब कुछ अच्छा है। पहले आसमान को, पानी को, धरती को, आकाश, फिर पक्षियों को, पानी में जीव जंतुओं को, भूमि में पशु पक्षियों को, फिर पेड़ वृक्षों को, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बनाया है। और ये सब एक्चुअली पढ़ने से अच्छा था, लेकिन खोल खोल के पढ़ना नहीं होगा। सभी को पता है जेनेसिस उत्पत्ति 1 अध्याय में पूरा आपको दिया गया है कि कौन सा दिन क्या क्या सवारा भगवान ने, पहले शून्य था, आकाश बनाया, रोशनी दी, दिन रात कहा गया, समुद्र बनाया, मछली, उसमें मछली को एक्वेटिक मतलब जल प्राणी को रखा, फिर भूमि जल स्थल प्राणी को रखा, फिर ये सब तैयार करने के बाद मानव को अपने रूप में बनाया। मतलब हमें ये भूमि में लाने से पहले यहोवा ने क्या किया, जो जो हमें चाहिए उन्हें अपने बातों से, केवल अपने बात से, वचन से सृष्टि की और हमारे सामने रखा। क्या ये महान कार्य नहीं है, देने की महान कार्य? उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ दिया, सब कुछ अपने बातों से कहा और हमें दे दिया और कहा कि तुम इसको रूल करो, इस पर तुम मतलब डोमिनेंट, इसमें आप इच्छा प्रकार रहो, और हमें आशीर्वाद दिया। तो हम यहोवा से हमें क्या सीखना है, देने की बात सीखना है।
पांच दिन हमारे लिए पूरा सृष्टि बना के हमें दिया है, क्या हम कृतज्ञ नहीं है? है या नहीं है? सोचिए कि ऑक्सीजन नेल्लूर में एक घंटा के लिए बंद कर दिया, एक घंटा क्यों, एक मिनट के लिए सोचो, तब समझ में आएगा कि भगवान ने ऑक्सीजन दिया तो कितना बड़ा काम किया। ऑक्सीजन जब नहीं होता है कितना परसेंट होना चाहिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, बोलिए 90 शायद, जोसेफ राइट 90, क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो पास्टर जी जब भी देखते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल और सारे लेवल्स देखते हैं, बहुत हर चीज़ में घुस जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि ये ऑक्सीजन कितना चाहिए। ओके अभी 40 है तो 90 बनना है, अपना खुद का ऑक्सीजन, खुद का रेस्पिरेशन, अगर हम लोग का भी सांस नहीं आएगा तो ऑक्सीजन लगा देते हैं, 40% अपना खुद लेते हैं, 60% सिलेंडर से आता है, अब सोचिए तब कैसा रहेगा। पानी यहाँ पे तो बारिश ही नहीं है राइट, पानी अगर नहीं हो, अगर फल फूल अनाज ना हो तो क्या होगा? ये सब कुछ हमको मतलब बिना वजह हमारे बिना पूछा दिया गया है, तो देने की तो दातृत्व है हम नहीं समझ पा रहे हैं। 10 रुपए की कमी मेरे पास हो, अगर कोई मेरे 10 रुपए की कमी को पूरा करता है तो देने वालों को मैं 10 बार बोलूँगी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को 10 रुपया दिया राइट। तभी हम देने वाले की महत्ता समझते हैं। लेकिन आज एक बार ध्यान दीजिए अपने यहोवा के तरफ, हे भगवान हमें आपने बिना पूछे ही आपने हमें बनाया और हमारे लिए सब कुछ दिया राइट। ये तो एक पहली बात हुई कि यहोवा ने हमारे लिए दिया, ये सृष्टि दी हमारे लिए, उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया, अपना स्वरूप भी हमारे ऊपर ढाल दिया, अपना आत्मा अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी ठीक है, अपना प्राण हमारे अंदर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया उसने। उसके पास कुछ नहीं है, केवल देख रहा है कि मैंने सब कुछ दे दिया है और मेरे लोग मुझे क्या देंगे। सब कुछ आपको दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें क्या देंगे। अब चलो दूसरा भक्त जन के पास चलते हैं। वैसे तो हमने कैन और हाबिल के बारे में पढ़ा है, इसके बाद चलते हैं अब्राहम। देखिए अब्राहम को भी उन्होंने, वो भी हमारा जैसे कॉमन मतलब सामान्य आदमी था, मूर्तियां भेजता था, लेकिन भगवान ने उन्हें चुना, इस तरह चुना कि अपने बेटे की जब कुर्बानी पूछी तो भी वो पलट कर देखा नहीं और पर्वत पर चला गया और अपना तलवार निकाल कर उसे वध करने ही वाला था। तुरंत यहोवा ने कहा रोको, मैंने देख लिया तुम्हारा जो देने की जो आशा है मेरे लिए, देने की आशा है ना, उनका पहला पुत्र मांग लिया, एक ही पुत्र था और एक ही पुत्र उसने मांग लिया, उससे नहीं था वही उसने दिया और उसने मांगा, एक बार भी उसने कहा नहीं कि मैं नहीं दूंगा और तुरंत तैयार हो गया देने की। जिस तरह यहोवा ने उसे दिया उसी लेवल में वो भी पीछे ना हटा और भगवान के लिए अपने बेटे को भी देने की सोच ली। भगवान इससे खुश हुआ और यहोवा खुश हुआ और कहा कि जैसा मैं हूं वैसा ही अब्राहम भी है, देने में एक कदम भी पीछे हटा नहीं ठीक है। अपने बच्चे अगर हमसे 2 कदम अगर आगे निकलते हैं किसी बात में भी, हमारे जो टैलेंट्स में अगर 2 बात आगे निकलते हैं तो हम खुश होते कि नहीं, आपके पेरेंट्स खुश होते कि नहीं, आप अच्छे पढ़ के अव्वल नंबर लाते हो राइट। इसी तरह जब अब्राहम को जब परीक्षण में लाया गया तो देने के इशू में वो भी उनके बाप निकले, मतलब ये अगर ये बाप है तो वो पुत्र निकले। उसी तरह हमारे पास वो चाहते हैं, आदम और ईव अवा फेल हो गए देने में, सुनने में, जिस तरह चाहते थे उस तरह वो नहीं कर पाए, उनके बच्चे भी फेल हो गए। लेकिन कहाँ पे यहोवा उत्तीर्ण हुए या फिर पास हुए, अब्राहम के पास देने की क्रिया में। इसी तरह नूह को भी मैं अगर ले लूँ तो नूह के लिए भी यहोवा बहुत खुश हुए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा क्या क्या देकर उन्होंने आर्क बनाने को कहा, वही उनकी बात को लेकर जो जो वचन या फिर जो जो आज्ञा उन्हें दिया गया था वो ऐसे ही लेकर उन्होंने वो आर्क बनाया या फिर वो जहाज बनाया और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही रिजल्ट उनको दिया। देखिए यहाँ पे धन नहीं है, बात सुनने वाली बात है। उन्होंने जिस तरह यहोवा ने कहा बनाने के लिए जहाज बनाया, जो दो दोरी को ले जाओ कहा ले गए, 40 दिन की बारिश हुई, इसके बाद बाहर
छोड़ा गया, फिर से सृष्टि बनाई। नूह जब अगर नहीं सुनता आदम और हव्वा के जैसे होता, उनकी देने की बात अगर लेकर फिर से उनके उनको वैसे ही उत्तर जिस तरह चाहते थे दिए, अगर ऐसा ना होता तो ये सृष्टि अभी नहीं होती, अंत हुआ होता, राइट। लेकिन दोबारा नूह के साथ उन्होंने आरंभ किया, फिर सृष्टि फिर बनाई, और इस वजह से ईश्वर भी नूह से बहुत संतुष्ट है। और आगे चलकर मैं बताना चाहूंगी कि जहां जहां प्रवक्तों को या भक्तों को ईश्वर ने जो जो काम दिया, समर्पण का काम करते गए करते गए करते गए, आपको भी भगवान ने कुछ काम दिया है, धन रूपी काम नहीं, हर चीज आप जो उनको आपको जो दिया गया है, गात्र आपको दिया गया है, प्रेर आपको दिया गया है, बोल, तो उसे आप भगवान के लिए प्रयोग कीजिए। देखिए अनानास पेड़ जैसा कुछ अपने लिए मत रखिएगा, और हव्वा और आदम जैसे डिसोबीडियंस मत बनिएगा, केन और एबेल जैसा केन जैसा मत बनिएगा, एबेल जैसा बनिएगा। वैसे ही थोड़े और मैं बताना चाहूंगी, जीसस ईश्वर मतलब यीशु जब इस लोक में आए तो एक बच्चे से कहा कि खाने के लिए कुछ है, तो दो रोटी और पांच रोटी और दो फिश ना, ठीक है। ये दो बार है, देखिए आप घर जाके पढ़िएगा, मत्ती में 14 अध्याय 17 में 5000 लोगों को खिलाकर पांच रोटी और दो फिश, ठीक है, पांच रोटी और दो मछली के मछली लेकर भगवान ने जो ऊपर प्रार्थना की, 5000 लोगों को खिलाकर 12 टोकरियां उठाई। देखिए मैं यहाँ उठाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, देने वाली बात कर रही हूँ। छोटा सा बालक केवल दो मछली और पांच रोटी दे तो कितने लोगों को काम आया, 5000 लोगों को और 12 टोकरियां उठाए। देखिए अगर आप दो मछली दो पांच रोटी दो तो आप 5000 लोगों को आप दे सकते हो। सो इस तरह का देने वाली जो मन है आपके अंदर होने चाहिए। देखिए एक और जगह भी है जहाँ पे 7 रोटियां थी, वो है अध्याय 15 और 34 चैप्टर 34 वर्सेस में, जहाँ पे 7 रोटीज थे थोड़े फिश थे, लेकिन ये शिष्यों के पास ही थे, और जब उन्होंने बांटा तो 4000 लोग खाए और 7 टोकरियां उठाई। दो जगह ऐसे हुई है, तो कंफ्यूज मत होइए, कुछ भी है, दोनों बात दोनों वचनों में क्या कहा गया है कि जब हम देते हैं, चाहे शिष्य हो चाहे बच्चे हो, जो भी भगवान जब पूछता है तब जब देते हैं तो वो छप्पा मतलब जिस तरह की आशीर्वाद देते हैं। एक प्रवक्ता एलिया और सारा पद ग्रामीण में उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दिया भगवान को तो वो आशीर्वाद पाए। ऐसे ही आगे अगर जाएं तो देखिए एक जगह है जहाँ पर एक अंजूर फिग ट्री है, देखिए वो तो जीवित वृक्ष है, हर बार जा रहे आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा दिख रहा है। हमारे पास भी बहुत अच्छा भगवान ने ग्रीन लीव्स दिए हैं, राइट, बड़े बड़े ट्रंक है, बड़े बड़े एसिड्स हैं, ठीक है, राइट, और बड़े बड़े कांड है, सब दिखता है सबको कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान जब लेने आता है तो हमारे पास कुछ नहीं है। यस, अब मैं कहती हूँ जब भगवान को देने की बात आती है तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्या ऐसी बात है? आप अंजूर या फिग ट्री जैसे हो आप कि दिखने में सभी लोगों को बहुत अच्छे दिखते हो, है सच में, लेकिन जब देने की बात आती है तो कुछ नहीं है। ऐसा ना कहिएगा, आप दिए भगवान को दीजिए, जितना आप संतोष से ग्रीनरी से आत्मीयता से आप रहोगे उतना ही आप प्रेरित होंगे, उतना ही आप देने की इच्छा होगी। देखिए जितना आप स्पिरिचुअल लाइफ आप बढ़ाओगे उतना ही देने में आपको कष्ट नहीं होगा, ये बात बोलना चाहूंगी मैं। अगर आप स्पिरिचुअली आप स्टैंडर्ड नहीं हो तो देखो ये दो कॉइंस जो डाली है भगवान के लिए, बहुत उसका मन में भक्त था, स्पिरिचुअली शी वाज गुड, इसलिए वो जितना था वो डाल दी। देखिए जो भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है वो देने में भी कनेक्टेड नहीं होता है, उसके पास जितना है उसमें से निकालकर फटा या फिर कम पैसा निकाल कर डालता है, क्योंकि उसमें वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान को देने में भगवान संतोष होते हैं और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, देने में संकुचित है। देखिए अपने बच्चे के लिए हम कितना भी करते हैं, राइट, कभी सोचते हैं महेश, कभी सोचेगा बच्चे को देने के लिए? नहीं,
मेरे पास है तो हम जरूर हम देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे पिताजी के लिए भी हम देने के लिए सोचना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी, देखिए जैसे भगवान ने हमें अपनी सृष्टि बना के सब कुछ दिया है, उसी तरह हम सब कुछ पा रहे हैं, उन्हें भी सब कुछ देने की आदत हमें डालनी चाहिए। दूसरी बात, एबेल और कैन की तरह एक हम ना रह के, या मतलब कैन की तरह ना रह के एबेल की तरह रहना चाहिए। वैसे ही अब्राहम जिस तरह एकदम ताकतवर निकला, उसी तरह हम भी इनके समान हम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ना ही अनन्या सपेरा जैसे हमें पीछा रखना चाहिए, बल्कि भगवान में जितना हम आत्मीय तन से, मतलब जितना हम भगवान के निकट आते जाते हैं, उतना देने में हम संकोच ना करके आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आप आगे बढ़िए, भगवान से कनेक्ट रहिए, तो देने में आपको आप पीछे नहीं हटेंगे। और देने की ऐसे ही मैंने मेरे पास 1000 रुपया मैंने दे दिया, ऐसा मत करिए। इच्छा से, प्यार से, जो भी आप देना चाहेंगे, जितना इच्छा भगवान आपको दिलाना चाहते हैं, देने की जो प्रेरित करते हैं, दीजिए, पीछे मत हटिए। देखिए शापग्रस्त भी है इसमें, मैं आज के दिन में शाप वाली बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये जरूर आपको इतला करना चाहूँगी कि आप जितना सोचे हो मन में कि हाँ मैंने इस बार ऐसा सोचा है, वो डाल देने की कोशिश करिएगा। चलिए आंखें मूंद के छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आज जिस हालत में मुझे आपने खड़ा किया है, आपको पता है, सब कुछ आप जानते हैं, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज जो लोग आए हैं उनके साथ भी आप हैं। मैं चाहती हूँ कि साल भर में जो भगवान को देना चाहते थे, एक साल में एक बार वो देने के लिए प्रेरित करिए, और जितना दे सके आज देने की कृपा उन पर रखिएगा, पीछे मत हटाइएगा। आप उनसे बात करिए और डालने की दान देने की प्रेरणा दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके नाम पर समर्पित करती हूँ। आमीन।